अच्छा सड़क खराब है यहाँ पे, आप लोग बहुत परेशानी है, कुआं बना है, हम लोग का रोड बना है, तो आप लोग का वोट देंगे। अगर सड़क नहीं बनेगा तो वोट नहीं गिराएंगे। आप मेरे पीछे आओ, आप आओ मेरे पीछे सब, आप कोई बोलना नहीं है, आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसूल कमर हुआ, मैं ग्राम पंचायत राज इजरा से बात कर रहा हूँ जी, जो कि रहिका अंचल में क्षेत्र संख्या 12 में आता है। ये सड़क जो आप देख रहे हैं, ये सड़क हमारा बूथ मदरसा इस्लामिया, जिसमें 4 बूथ है, उसमें जाती है। ये मदरसा इस्लामिया का भवन A1 है, बहुत अच्छा, उससे हमको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि यहाँ पर हमारी माँ बहन बूढ़े बच्चे, बच्चे तो नहीं जाएंगे लेकिन बूढ़े, जिनका हक है वोट डालने का, वो जो जाएंगे कैसे जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे? कोई बूढ़ा जाएगा तो हाथ पैर तोड़वाएगा, कोई नौजवान जाएगा तो कपड़ा मैला करके आएगा, रेल ठेल होगा। यहाँ से इसी रास्ते से ट्रैक्टर भी पास होता है, इसी रास्ता से गाय भैंस और बैल भी पास होता है, और इसी रास्ता से जो कि हम जैसे लोग राहगीर भी चलते हैं डायरेक्ट कपटेश्वर जा रहे हैं, और ये रास्ता बोलो ना यार, उसी में गिर गया मर गए, तुरे लूर हटा के बोलो ना आके, ये रास्ता यहाँ से कट करके ये मेन रोड जो मधुबनी की तरफ और बसौली की तरफ NH 105 पे जाकर के मिलती है, बीच में से ये रास्ता निकलता है जो कपलेश्वर स्थान, जहाँ पर जो है कि हमारे बिरादर के लोग, हमारे हिंदू बिरादर के लोग हैं जो अपने धाम पर जाते हैं हमेशा जलधारी के लिए, वो भी इसी रोड से निकलते हैं। आगे जाकर के एक नदी है जो भी पूरी तरीके से ध्वस्त है, फिलहाल हम उसको बाद में देखेंगे। अभी मौजूदा ये है कि 29 तारीख को आने वाला पंचायत चुनाव, जिसमें हमारे ग्रामीण लोग जिनका क्षेत्र इसमें आता है, इस बूथ में आता है पोलिंग करने का, वो कैसे पोल करेंगे, इस संदर्भ को लेकर के मैं अपने पूर्व में जो SDO साहब थे उनसे मिला और उनको मैंने एक आवेदन दिया, हम सब ग्रामीण मिल करके, लगभग 10-20 ग्रामीण ने मिल करके एक आवेदन डाला। SDO साहब ने आश्वासन दिया कि मैं इसको इलेक्शन से पूर्व इस काम को करवा लूँगा। SDO साहब ने एक लेटर BDO साहब को दिया, BDO साहब को ये लेटर दिया गया, जिसमें SDO साहब ने BDO साहब को आदेश दिया कि वो अपने स्तर से इसका निरीक्षण करके आवश्यक अगर है तो रोड का जो कि मरम्मत नामा करेंगे। लेकिन BDO साहब से मैं भी जाकर के मिला, मेरे साथी भी जाकर के मिले, किसी ने आज तक आकर के इसका इंस्पेक्शन नहीं किया या जांच नहीं किया, और जैसे का तैसे ही पड़ा हुआ है। इलेक्शन से पहले पहले इसका मरम्मत का काम हो जाए, इसलिए बुजुर्ग को महिलाओं को आने में बहुत दिक्कत होगी, आ नहीं पाएंगे, इससे क्या है बहुत परेशानी बढ़ रही है, इसलिए उससे पहले जो है इस काम को अंजाम देना होगा, क्या समझे? ये इस सड़क यहाँ से वहाँ तक पूरी खराब है, मैं रोड से मिला हुआ पूरा, कहीं से घुसने नहीं सकते वहाँ पे, ये ऑलरेडी कपलेश्वर स्थान जा रही है ये रोड, बीच में ऐसा पोजीशन हो गया कि आदमी यहाँ से जाने नहीं सकता, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं जा पा रहा, आदमी सिंगल नहीं चल पाता है, पैदल नहीं चल सकता है, थाने की गाड़ी फंस गई, और बूथ पर आने के लिए यार कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है,
आगे भी करिए। इस रास्ते की जो है जितनी जल्दी हो सके मरम्मत का काम शुरू करें। साठ साल से कैसे आ रहा है, सिंगल हाथ नहीं आ पा रहा, समझे ना। यही काम है, इसी के लिए हम लोग इसको ये कर रहे हैं। आप लोग इसको अपने माध्यम से इसको जो है, कल थाना की गाड़ी आई थी बड़ा बाबू की, वहाँ फंस गया, निकल नहीं सका, दो घंटा परेशान हुआ। फिर गांव के लोग जो है जा करके उसको रस्सा बांध करके कैसे कैसे करके निकला है। ये कितना बूथ है, यहाँ कितना बूथ है, यहाँ पे एक से लेकर चार तक है, चार बूथ है इसमें ना, चार बूथ है। पानी में बच्चे लोग नहीं पढ़ने आता है, इतना पानी में आता है, आगे बढ़ते रहिए, डूबा पानी हो जाता है, बहुत बेहिसा डूबा हो जाता है यहाँ से लेकर कपिलेश्वर तक, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, कोई रास्ते नहीं, रास्ते मेन रास्ता यही है। इसको ध्यान दीजिए सर, आप लोग पब्लिक कितना मारा जाता है, सर करेंगे, सर करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अबू शामा उर्फ मिंटू साहब हुआ। पंचायत क्या नाम है? ये पंचायत की जिला पंचायत का एक से लेकर चार वार्ड तक का ये बूथ है। यहाँ मदरसा इस्लामिया है, इसमें एक से लेकर चार तक बूथ डलते हैं। इस रोड की हालत देख लीजिए, कोई बंदा इधर आने को राजी नहीं है। मैं आपको जिला प्रशासन जो है, SDO BDO साहब जो भी कलेक्टर हैं, उनसे मैं विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आके मेरे इस इलाके को सही कर दे, ताकि वोट डालने वाले को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं वोट का बहिष्कार करूंगा। बिल्कुल आगे करूंगा, नहीं अगर इसका सही हुआ तो हम लोग इसका बहिष्कार करूंगा। क्या कोई वोट डालने नहीं आएगा, कोई वोट पड़ेगा किसको, वोट डालने का मतलब क्या, समझे ना। वोट डालने का मतलब नहीं है, इसलिए मैं बहुत खुश करता हूँ जितना भी है, 29 तारीख से पहले पहले इसमें कम से कम कुछ इमरजेंसी में कुछ काम कर दे वो, SDO से मैं गुजारिश करता हूँ, उनसे जिला प्रशासन से। अगर 29 तारीख तक सड़क आपकी नहीं बनती है तो आप लोग वोट डाले आएंगे यहाँ? अगर इससे पहले नहीं हुआ तो इलेक्शन से पहले तो हम लोग इसका बहस करेंगे। ऐसा यही रोड नहीं है, आगे और भी गांव के सड़क है जहां भूख है, वहां का भी रोड की स्थिति खराब है। जाने आने में मंदिर कपिलेश्वर भी है, नंबर बूथ का भी स्थिति वैसे ही है, वहां भी पानी लगा हुआ है, वहां भी लोगों को जाने की समस्या है, वहां का भी काम को अंजाम देना होगा, नहीं होगा तो हम लोग इसका बहस करेंगे।